हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 मार्च 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इसमें हम पूरे न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। जैसा कि आपने कल खुद भी फॉलो किया होगा जनता कर्फ्यू, उसमें बहुत सारी न्यूज़ें हैं आज के न्यूज़पेपर में, चाहे वो एडिटोरियल पेज ही क्यों ना हो। उसके बाद हम स्पोर्ट्स पेज, बिजनेस और नेशनल इंटरनेशनल सभी पेजों को कवर करेंगे और एडिटोरियल पेज में जो आर्टिकल हमें फैक्ट्स देंगे, यानी कि हम कुछ उससे नोट डाउन कर सकते हैं, उन आर्टिकलों को हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल न्यूज़ में पहली न्यूज़ है अद्भुत अभूतपूर्व, यानी दैनिक जागरण ने जो सबसे मेन हेडिंग बनाया है, उन्होंने जो जनता कर्फ्यू लगा है उनकी कुछ पिक्चरों को लगाया है, पिक्स को लगाया है और ये हेडिंग बनाई है। इसके बाद उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स के तौर पर लिखा है कि रविवार कुछ अलग था, सड़कें, गलियां और बाज़ार हर ओर सन्नाटा था। इस सन्नाटे की एक खास बात ये थी कि इसमें सबने सहयोग दिया। यह शंखनाद था देश के समक्ष आसन्न एवं महामारी के विरुद्ध युद्ध का। एक अभूतपूर्व दिन ने दिखा दिया कि संकट की घड़ी में पूरा देश संयम व संकल्प के साथ एकजुट है। घरों में सीमित रहना संयम का चरम था तो शाम को लोगों का दृढ़ संकल्प नजर आया। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, यह एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इसे रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी लोगों से दूरी बनाकर रहना ही अहम भूमिका निभाता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाकर ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहकर हम इसके प्रसार यानी फैलने की कड़ी को रोक सकते हैं। जनता कर्फ्यू की अपील के पीछे यह भी उद्देश्य था कि लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आह्वान किया गया था कि शाम 5 बजते ही पूरे देश में एकजुट होकर योद्धाओं के सम्मान में ताली, थाली, घंटी और शंख से सब गुंजायमान किया जाएगा। इसमें स्वयं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह एवं धर्मेंद्र प्रधान समेत कई मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी शामिल हुए। इसमें बॉलीवुड से लेकर आम जनता सबने भरपूर सहयोग दिया था। नेक्स्ट न्यूज है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकती है संसद की कार्यवाही। मोदी सरकार सोमवार से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील पर खुद ही पालन नहीं करने की आलोचनाओं को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठा लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार को दोपहर के बाद 2 बजे शुरू होगी। सरकार इस दौरान वित्त विधेयक पारित करा सकती है। सत्ता पक्ष सदन का इस्तेमाल लोगों से घरों में बने रहने की अपील करने के लिए कर सकती है। सूत्रों ने कहा है कि सरकार इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर सकती है। ऐसे समय में जब सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से जनता कर्फ्यू की संभावना बनाया है, तब सदन की कार्यवाही संचालित होने के कारण सरकार आलोचना का शिकार हो रही है। तो ये भी न्यूज मिल सकती है कि संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज है, देश के 75 जिलों में लॉकडाउन, राज्यों के बीच यातायात सेवाएं बंद। केंद्र सरकार ने ऐसे 75 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया है जहां कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। इन जिलों में सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही जारी रखने की अनुमति दी गई है। यह देश के इतिहास में संभवतः पहला मौका है जब देश के एक बड़े हिस्से को आपातकालीन परिस्थिति में लॉकडाउन किया गया है। राज्यों के बीच चलने वाली सभी यातायात सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव और कैबिनेट सचिव के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों की रविवार सुबह हुई बैठक में अब तक की तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ कई फैसले लिए गए हैं। सरकार की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत 22 राज्यों के 75 जिलों के अलावा कोरोना के प्रसार को देखते हुए अन्य जिलों में भी लॉकडाउन की संभावना जताई गई है। राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने स्तर पर हालात की समीक्षा करते हुए इस बारे में फैसला ले सकते हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश के 16 जिले लॉकडाउन किए गए हैं, वो भी 25 तारीख तक। और आवश्यक सेवाएं जो लॉकडाउन से बाहर रहेंगी वो पॉइंट के तौर पर हैं, आप देख लीजिए। खान पान की वस्तुएं,
फल सब्जियां, पेयजल रसोई गैस, पशुओं का चारा, प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाली सभी फूड प्रोसेसिंग इकाइयां, पेट्रोल डीजल सीएनजी पंप, दुग्ध प्लांट डेयरी यूनिट, पशु चारा बनाने वाली इकाइयां, दवा व अन्य दुकानें, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े उपकरणों का निर्माण करने वाली इकाइयां, बैंक व एटीएम, टेलीकॉम सेवाएं, बीमा कंपनियां, डाकघर, गोदामों में गेहूं और चावल की लोडिंग व अनलोडिंग का कार्य, आवश्यक वस्तुओं व खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए परिवहन सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, मार्च में नहीं चलेगी कोई भी यात्री ट्रेन, और ये अभी तक का सबसे बड़ा फैसला है भारत सरकार का। रेलवे ने सभी यात्री सेवाओं को 22 मार्च की मध्य रात्रि से 31 मार्च की मध्य रात्रि तक रद्द कर दिया है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। साथ ही यह घोषणा की है कि इस अवधि में केवल मालगाड़ियां ही चलेंगी, उपनगरीय रेल सेवाओं पर भी यह स्थगन लागू होगा। भारतीय रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार इतना बड़ा शटडाउन हुआ है। रेल मंत्रालय के बयान के अनुसार, देश के विभिन्न इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मालगाड़ियां यथावत चलती रहेंगी। मंत्रालय का मानना है और कहना भी है कि रद्द की गई सभी ट्रेनों के यात्री अपनी टिकटों का पूरा रिफंड 21 जून तक ले सकते हैं। ट्रेन रद्द किए जाने के बाद बिना किसी व्यवधान के उन यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस दे दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा एक पहल की गई है, क्योंकि यात्री जो ट्रेन से यात्रा करते हैं उसमें एकजुट रहते हैं, मतलब एक जगह कई लोग यात्रा करते हैं, तो इससे भी संक्रमण फैलने का बहुत बड़ा खतरा होगा। नेक्स्ट है, देश में कोरोना वायरस से एक दिन में 3 मौतें, संक्रमणों का आंकड़ा 400 के पार। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालांकि सरकारी स्तर से लेकर सामाजिक स्तर पर इसके प्रसार को रोकने की भरसक कोशिशें की जा रही हैं। शहरों में लॉकडाउन किया जा रहा है, धारा 144 लगाई जा रही है और लोगों से ज़्यादा समय तक घरों में रहने का आह्वान किया जा रहा है। बावजूद इसके कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रविवार को देश में एक दिन में इस घातक वायरस के चलते 3 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में एक एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया और मृतकों का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है, जबकि 80 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या कुल संख्या 403 तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य विभागों के मुताबिक संक्रमित लोगों में 41 विदेशी नागरिक हैं। 24 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 7 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में दूसरी मौत हुई है, जबकि बिहार और गुजरात में पहली मौत हुई है। बिहार में पटना के एम्स में 38 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। वह हाल ही में कतर से लौटा था और उसे किडनी की बीमारी थी। लेकिन गुजरात के सूरत में 67 साल के जिस व्यक्ति की मौत हुई है, वो बुजुर्ग थे और ना ही विदेश से लौटे थे और ना ही वो किसी के संपर्क में आए थे। उन किडनी खराब थी और अस्थमा की बीमारी था। लेकिन जब कोरोना वायरस प्रभाव डालता है तो वो आदमी की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे समाप्त कर देता है। तो ये नेशनल न्यूज़ थी आज की। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इसमें 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली है, इटली में एक दिन में 651 मौत। और अगर आपने इससे पहले के जो मेरे वीडियो देखे होंगे या डिस्कशन का न्यूज़पेपर भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो इटली में अगर देखा जाए तो रोज़ कम से कम 700 मौतों का एवरेज है, यानी कि वहाँ पर चीन से भी ज़्यादा स्थिति खराब है। कोरोना की महामारी से पूरे विश्व में मरने वालों की संख्या 14,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3,00,000 को पार कर गया है। इटली में रविवार को 651 लोगों की मौत हो गई और यह आंकड़ा 5,476 तक पहुंच गया। वहीं स्पेन में मरने वाले लोगों की संख्या 1,700 के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन में रविवार को और 48 लोगों की मौत हो गई और यह आंकड़ा 251 पर पहुंच गया। इस बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने खुद को नज़रबंद कर लिया है, क्योंकि उनका इलाज करने वाला डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। फिलहाल वह घर में ही काम करेंगी।
संक्रमित व्यक्तियों की बात करें तो 1.5 लाख लोग अकेले यूरोप में संक्रमित हैं। इटली में इनकी संख्या 59,000 से ज़्यादा है। स्पेन में एक दिन में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 3,646 तक बढ़ गई है। यह आंकड़ा 28,572 पर पहुंच गया है। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संसद को 11 अप्रैल तक आपातकाल तक के लिए स्थगित करने का घोषणा कर दी है। नेक्स्ट न्यूज है, घरों में रहें व अपनी जान बचाएं, ये बोला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशवासियों से घर पर रहने और अपनी जान बचाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि देश में खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। बता दें कि अकेले शुक्रवार को अमेरिका में संक्रमण के 7,000 मामले सामने आए थे, जबकि 80 लोगों की मौत हुई थी। यहां पर मरने वाले लोगों की संख्या 340 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों की का जो आंकड़ा है वो 6,574 तक पहुंच गया है। व्हाइट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि हमारी अपील है कि देशवासी अपने घरों में रहें, इससे उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। यह सामूहिक तौर पर राष्ट्रीय बलिदान का समय है। इस समय हम अपने आप को घरों में रखकर यह भी बता सकते हैं कि हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, हमारा विश्वास, हमारे परिजन, हमारे पड़ोसी और हमारा देश। ऐसा करने से भविष्य में हमारी शानदार जीत होगी। ट्रंप ने कहा कि यह पूरा सप्ताह राष्ट्रीय एकजुटता का रहा है। रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, कंजर्वेटिव और निर्दलीय सभी एक साथ आ रहे हैं। यह देखना वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी एक सुंदर और बड़ा अमेरिकी परिवार हैं और फिलहाल ऐसा होता दिख रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, ईरान ने ठुकराई अमेरिका की मदद की पेशकश। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामनेई ने कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए अमेरिका की सहायता की पेशकश को ठुकरा दिया है। बकौल खामनेई, हो सकता है कि यह वायरस अमेरिका द्वारा पैदा किया गया हो, ये बोल रहे हैं। बता दें कि तेहरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसमें कच्चे तेल की बिक्री पर रोक प्रमुख है। इसके चलते ईरान को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक टीवी संबोधन में खामनेई ने कहा कि अमेरिका हमारा कट्टर दुश्मन है, हो सकता है कि उसकी दवा वायरस को और फैला दे। अगर वह डॉक्टर और थेरेपिस्ट भेजते हैं तो वह आकर यह देखें कि वायरस का प्रभाव कैसे हो रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वायरस का एक हिस्सा ईरान के लिए बनाया गया है। खामनेई ने अपने बयान के संदर्भ में किसी वैज्ञानिक तथ्य का हवाला तो नहीं दिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को इस महीने की शुरुआत में चीनी सरकार के प्रवक्ता से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन अगर अच्छा होता कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय इस समय सभी, पूरा विश्व जिस तरीके से एकजुट है, वो अभी भी एकजुट रहकर कार्य करता। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज है हमारी, प्रधानमंत्री ने फार्मा उद्योग से आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मा उद्योग को जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने उद्योग जगत से कोरोना की आरएनए जांच किट का उत्पादन युद्ध स्तर पर करने की अपील की है। सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने होम डिलीवरी की संभावनाएं तलाशने को भी कहा है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मा सेक्टर के उद्योगियों से, यानी उद्यमियों से मोदी ने मुलाकात की और कहा कि जरूरी दवाओं, मेडिकल किट, उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करें, साथ ही नए और इनोवेटिव समाधान भी ढूंढें। उन्होंने उद्योग जगत को सरकार की ओर से मदद का भरोसा दिलाया है। सरकार ने देश में क्रिटिकल ड्रग और मेडिकल इक्विपमेंट का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए 1400 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, कोरोना की चाल से ही तय होगी दिशा, ये शेयर मार्केट को लेकर न्यूज है। घरेलू शेयर बाजारों की इस सप्ताह की चाल भी पूरी तरह कोरोना वायरस से होने वाले घटनाक्रमों के हिसाब से ही तय होगी। इस वैश्विक महामारी का देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि आगे आने वाले दिनों में इसका और कितना असर इकोनॉमी पर दिखता है, इसी के आधार पर निवेशक शेयर बाजारों में अपनी गतिविधियां निर्धारित करेंगे। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि अगर कोरोना संकट और गहराता है तो निवेशकों में तत्काल उत्साह का संचार होना मुश्किल है। यह भी देखने वाली बात होगी कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार
कोरोना संकट से लड़ने के लिए किन उपायों पर काम करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, एनपीए के खिलाफ स्वच्छता ड्राइव है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी के माध्यम से संकटग्रस्त कंपनियों को जिस तरह नया जीवन मिल रहा है उसे देखते हुए आईबीबीआई प्रमुख ने इसे एनपीए खत्म करने के लिए स्वच्छता ड्राइव की संज्ञा दी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन एम एस साहू ने कहा कि आईबीसी एक तरह से स्वच्छता ड्राइव की तरह है। यह न सिर्फ बैंकों को फंसे कर्ज के दलदल से निकाल रहा है बल्कि संकटग्रस्त कंपनियों को भी भरोसेमंद हाथों तक पहुंचा रहा है। आईबीसी के तहत अब तक 3600 कंपनियां समाधान के लिए भेजी जा चुकी हैं। साहू ने माना कि आईबीसी धीरे धीरे अपने सही स्वरूप में आ रहा है और संबंधित प्राधिकरण और एजेंसियां बाजार की जरूरतों के प्रति सचेत हो रही हैं। नेक्स्ट न्यूज है, चुनिंदा बैंक शाखाएं ही खुलेंगी और सेवाओं पर पड़ेगा इसका जरूर असर। देश के एक बड़े हिस्से में लॉकडाउन का असर इन क्षेत्रों की बैंकिंग सेवाओं पर भी पड़ने वाला है। यातायात व अन्य सुविधाओं के बंद होने की स्थिति को देखते हुए भारतीय बैंक संघ ने रविवार को बैंकों से कहा है कि वे राज्य प्रशासन व जिला प्रशासन के साथ मिलकर चुनिंदा बैंक शाखाओं को खोलने का फैसला करें। बैंक शाखाओं को इस तरह से खोला जाए कि आवश्यक बैंकिंग लेन देन हो सके। आईबीए ने देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के प्रमुखों को जो सूचना भेजी है उसके मुताबिक राज्य स्तरीय लीड बैंक और जिला स्तरीय स्थानीय लीड बैंक को कहा गया है कि वे प्रशासन के साथ मिलकर उन शाखाओं का चयन करें जिन्हें परिचालन में रखना है। बैंक प्रबंधन ने यह भी कहा है कि वे क्षेत्रीय और सर्किल हेड को अपने स्तर से फैसला करने का अधिकार दें। आरबीआई ने क्षेत्रीय निदेशकों को भी अधिकार देने को कहा है। तो ये बिजनेस पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए तीन आर्टिकल हैं। पहला है, चीन ने गर्क किया दुनिया का बेड़ा। किस तरीके से चीन में जो वायरस फैला उन्होंने पहले इसे दुनिया से छुपा कर रखा और जब स्थिति पूरी भयावह हो गई तब इन्होंने इसका खुलासा किया। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है सामरिक मामलों के विश्लेषक ब्रह्मा चिलानी ने। उसके बाद है दूसरा आर्टिकल हमारा, संक्रमण के फैलाव को रोकने की चुनौती। जिस तरीके से जनता कर्फ्यू लगाया गया और जिस तरीके से अब कई तरीके की अफवाहें भी फैलाई जाएंगी, इन सभी की संभावनाओं को देख लेकर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुधीर पवार ने। तीसरा आर्टिकल है संकल्प शक्ति की मिसाल। जिस तरीके से जनता कर्फ्यू में लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और इसे सफल बनाया उस पर है ये आर्टिकल। पहला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग, चीन ने गर्क किया दुनिया का बेड़ा। चीन से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। यदि चीन ने शुरुआत में इसकी सूचनाएं छिपाने के बजाय कारगर कदम उठाए होते तो ऐसा वैश्विक संकट की नौबत आती ही नहीं। चीन और उसके राष्ट्रपति जी जिनपिंग की लापरवाही ने पूरी दुनिया को एक खतरे में झोंक दिया है। वहां लोग इस वायरस के शिकंजे में फंसकर दम तोड़ते रहे और चीनी प्रशासन झूठ बोलता रहा। इसकी पोल 21 जनवरी को जाकर खुली जब चीन ने जुड़े संक्रमण के मामले थाईलैंड और ताइवान में भी सामने आए, जबकि पहला मामला वुहान में 2 महीने पहले ही आ गया था। अब चीन वैश्विक दवा उद्योग में आवश्यक तत्वों के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में अपने दबदबे की अगुवाई दिखाते हुए कह रहा है कि उसे अपने इस वर्चस्व को हथियार नहीं बनाया। चीनी समाचार एजेंसी ने कई तरीके से खंडन किया कि अमेरिका ने इसमें कई तरीके से अफवाहें फैलाई हैं। चीन ने वैश्विक दवा आपूर्ति के मामले में अपने दबदबे का ऐसा प्रदर्शन किया कि अब उसका खामियाजा उसे खुद ही भुगतना पड़ रहा है। तो ये भी जरूरी है कि अब तो जो जैसे चीन और अमेरिका परस्पर विरोधी रहे हैं व्यापार को लेकर, तो वो अब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे ही। लेकिन सच यही है कि जिस तरीके से इस महामारी को चीन ने शुरू में बहुत ही कमज़ोर समझा, उसे छुपाया और एक छोटी बीमारी समझा, लेकिन वो किस तरीके से चीन में भयावह हुई और चीन से अब पूरे विश्व में खासतौर पर पड़ोसी देशों में फैल चुकी है और महामारी का रूप ले चुकी है, लोगों की जानें जा रही हैं, तो इस सभी का कारण सिर्फ और सिर्फ चीन को और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को माना जाएगा।
कोविड-19 महामारी के चलते चीन एपीआई उत्पादन में ठहराव आ गया है, लेकिन अब साफ है कि चीन में दवा और अन्य विनिर्माताएं वस्तुएं सस्ते में तैयार होने की दुनिया बहुत बड़ी कीमत चुका रही है। आपने भी गौर किया होगा, चीन में जितनी आप भी चीन की कोई ना कोई वस्तु ने आपने खरीदी होंगी तो वो आपको सस्ती पड़ती हैं। इसीलिए भारत चीन से ज़्यादा आयात करता है, और क्योंकि वो भारत में निर्मित वस्तुएं होती हैं उसके मुकाबले काफ़ी सस्ती होती हैं, चाहे वो फसल से संबंधित वस्तुएं हों, बच्चों के खिलौने, डायपर, कॉस्मेटिक आइटम, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन और जहां तक कि दवा के जो कच्चे माल होते हैं ये सब भी। लेकिन अब इसका खामियाजा किस तरीके से दुनिया भुगत रही है और उठा रही है, इसका सामने सामने उदाहरण है। तो यही हुआ कि इसमें आर्टिकल में ये लिखा गया है कि सस्ती चीज़ों को अपनाने की वजह से ही ये हल हुआ है। भारत में बनने वाली दवाओं के लिए 70% एपीआई चीन से आता है। अमेरिका में बिकने वाली 97% एंटीबायोटिक दवाओं में चीनी एपीआई ही लगता है। अगर चीन में उत्पादन जल्द जोर नहीं पकड़ता तो वैश्विक स्तर पर दवाओं की भारी कमी की आशंका है और गहरा सकती है। कई देशों में तो दवाओं की कीमतों में भारी इजाफा हो गया है, जिसमें कोविड-19 से रोकथाम वाली दवाएं भी शामिल हैं। इस प्रकार देखें तो चीन कोविड-19 बीमारी को फैलाने वाला देश है। कोविड-19 के मामले में तो चीन में WHO तक को गुमराह किया। 14 जनवरी को WHO ने कहा कि चीन में सामने आई नई बीमारी के मामले में मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण के संकेत नहीं दिख रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार चीनी प्रशासन ने जो कदम उठाए, यदि उन्हें 3 हफ्ते पहले ही उठाया जाता तो न केवल चीन में कोरोना के मामले 95% कम हो जाते, बल्कि इसका भौगोलिक प्रसार भी सीमित हो जाता। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रोपेगेंडा इकाई की मदद से सी प्रशासन अब यह धारणा बनाने में जुटा है कि कोविड-19 जैसा आपदा को नियंत्रित करने में चीन ने कैसे मिसाल कायम की है, जबकि यह उसकी लापरवाही थी कि जिसके कारण जानलेवा वायरस दुनिया भर में फैला है। ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे अमीर और शक्तिशाली तानाशाही के लिए सत्ता की भूख ही सर्वोपरि है और इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। ये बात सच है कि चीन जिस तरीके से अपने आप को शक्तिशाली बनाने में जुटा पड़ा था, वो अमेरिका से भी शक्तिशाली बनना चाहता है और हर क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्रयोग करता रहता है, वो चाहे वो वेपन्स हो, मेडिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो। तो इन सब की होड़ के चलते ही ये शायद खामियाजा है जो विश्व को भुगतना पड़ रहा है। इस संकट का बुनियादी सबक यही है कि लगातार जुड़ती और एक दूसरे पर निर्भर होती दुनिया के दौर में वस्तु स्थिति को छिपाना वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा झटका है। कोविड-19 आघात का वैश्विक प्रभाव यही रेखांकित करता है कि की दबंगई की कीमत चीन से बाहर अब दुनिया को भी चुकानी पड़ रही है। नेक्स्ट न्यूज है, संक्रमण के फैलाव को रोकने की चुनौती। मानव सभ्यता एक ऐसी चुनौती से जूझ रही है जिसके बचाव का ना तो कोई अनुभव है और ना ही उसके भविष्य का पूर्वानुमान। चीन के शहर वुहान से शुरू हुई बीमारी कोविड-19 ने महामारी बनकर केवल 4 महीनों में ही पूरे विश्व की चिकित्सा, वित्त, नागरिक एवं सांस्थानिक व्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है। अपेक्षाकृत समृद्ध यूरोपीय देश कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित हैं। वहां की उन्नत चिकित्सा एवं शहरी व्यवस्थाएं ना तो इस वायरल बीमारी का प्रसार रोक पा रही हैं और ना ही उससे होने वाली मौतों में कमी को। अमेरिका की भी ऐसी ही स्थिति बनती जा रही है जो विश्व की सबसे ताकतवर महाशक्ति है। अमेरिका जैसी महाशक्ति बनने को तत्पर चीन का दावा है कि उसने भीड़ नियंत्रित, सामाजिक अलगाव, स्वच्छता एवं उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया है, इस महामारी को नियंत्रित कर लिया है और अब उसके यहाँ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हो रहे हैं। पता नहीं उसका यह दावा कितना सच है, लेकिन आम तौर पर विश्व के सभी देश चीन के अनुभव के आधार पर ही इस महामारी को नियंत्रित करने के उपाय कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के एक दूसरे पर रोग को नियंत्रित तो कर जिस तरीके से चीन ने नियंत्रित तो किया है, लेकिन वो उसको अभी फैलने से पूरी तरीके से रोक नहीं पाए हैं। भारत सरकार एवं चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार भारत में संक्रमण अभी इसी दूसरे स्तर पर है। यदि हम इसे इसी स्तर पर रोकने में सफल रहे तो यह बड़ी उपलब्धि होगी।
कोरोना वायरस के संक्रमण को दूसरे स्तर पर सीमित कर बड़ी जन एवं धन हानि से बचा जा सकता है। संक्रमण को दूसरे स्तर पर ही रोकने के लिए जिन उपायों की आवश्यकता होती है उन पर भारत जैसे देशों में अमल आसान नहीं है। सामाजिक आर्थिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए नागरिकों एवं सेवाओं पर प्रतिबंध प्रजातांत्रिक व्यवस्था के दायरे में ही लागू करने होते हैं। चीन के भिन्न राजनीतिक व्यवस्था के कारण प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू कर कोरोना वायरस के संक्रमण को हुबेई प्रांत तक ही सीमित करने में सफलता पाई थी। इटली ऐसा नहीं कर सका। यह अच्छी बात है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार के प्रतिबंधात्मक उपायों को विपक्ष एवं आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। भारत सरकार ने विदेशों से आने वाली सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है और सतर्कता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया तथा रविवार को जनता कर्फ्यू का अनुरोध किया था। इसी के साथ ही सभी यात्री रेलगाड़ियों को 31 मार्च तक निरस्त कर दिया गया है। 75 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा दिहाड़ी मजदूरों, रेहाड़ी खोमचे वालों और खाते में ₹1,000 DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर करने की सुविधा की घोषणा की गई है। केंद्र और राज्य सरकारें एक और उपाय कर देश के करीब 60% ग्रामीण जनता के संक्रमण के खतरे को कम कर सकती हैं। अभी तक संक्रमण के अधिकांश मामले बड़े शहरों में हुए हैं। यदि सरकारें शहर और गांवों के बीच भौतिक आदान प्रदान और यात्रा सीमित एवं विनियमित कर दें तो न केवल एक बड़ी आबादी को संक्रमण से मुक्त रखा जाएगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले बोझ को भी कम किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार को मंडियां बंद कर आवश्यक कृषि उत्पादों जैसी फल सब्जियों इत्यादि को गांवों से सीधे खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए। संक्रमण के तीसरे स्तर की पहचान सामुदायिक संक्रमण के प्रमाण मिलने से ही होती है। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ देश में तीसरे स्तर के संक्रमण की आशंका जता रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या कम होने का एक कारण संदिग्ध मरीजों के परीक्षण की संख्या कम होना हो सकती है। कुछ दिनों पहले अमेरिका और चीन ने वैक्सीन परीक्षण किए हैं लेकिन उनके मरीजों तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। जीव विज्ञान के अनुसार मानव जाति और वायरस, बैक्टीरिया एवं अन्य रोगजनक कीटाणुओं में संघर्ष युगों से चल रहा है और इस संघर्ष में जीत सदा मानव एवं उसकी मेघा की हुई है। इस बार भी जीत मानव की ही होगी। बस जो कोशिश जारी है उसे सफल बनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है संकल्प शक्ति की मिसाल। सबसे बड़ा खतरा बन गए कोरोना वायरस के संक्रमण को थामने के लिए देश के लोगों ने जनता कर्फ्यू के दौरान जिस तरह खुद को अपने घरों तक सीमित रखा वह सामूहिक संकल्प शक्ति की अद्भुत मिसाल है। यह मिसाल इसलिए कायम हो सकी क्योंकि सभी ने संयम और अनुशासन का परिचय दिया। यह पूरी दुनिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी है और यह संदेश भी भारत की जनता धैर्य का परिचय ने दिया है कि किस तरीके से लोग एकजुट हैं। आखिर ऐसा कब हुआ और जब 125 अरब से अधिक आबादी वाला देश वह सब करने के लिए सजग सचेत हो जाए उससे अपेक्षित होगा। जनता कर्फ्यू के दौरान केवल संयम ही एक परिचय नहीं है बल्कि शाम को 5 बजते ही अपनी अपनी तरह से सबका अभिवादन भी किया गया जो एक गहन संकट के समय लोगों की जीवन रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के साथ उन सबका अभिनंदन समय की मांग थी जो आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में जुटे हुए हैं। चूंकि राष्ट्र इन सबका ऋणी है इसलिए जितना जरूरी उनके प्रति आभार व्यक्त करना था उतना ही उनका उत्साहवर्धन करना भी था। आभार जताने और उत्साहवर्धन करने वाले वे क्षण कभी भूले नहीं जा सकेंगे जब देश के हर हिस्से में महानगरों से लेकर सुदूर गांवों तक में कोई थाली बजा रहा था तो कोई शंखनाद कर रहा था, कोई मुखर था तो कोई मौन रहकर सबके कल्याण की कामना कर रहा था। यह उल्लेखनीय है कि यह सब कुछ प्रधानमंत्री की एक अपील पर हुआ और वह भी तब जब उन्होंने यह अपील महज 2 दिन पहले ही की थी। ऐसा करके उन्होंने केवल देश को जागृत एवं अनुशासन में बंधने का मंत्र ही नहीं दिया था बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय भी दिया था। तो ये आज के 3 एडिटोरियल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज है, IOC पर बढ़ा ओलंपिक स्थगित करने का दबाव। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ आयोजनकर्ताओं पर टोक्यो गेम्स 2020 को स्थगित करने का अब दबाव बढ़ने लगा है।
अब अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड फेडरेशन ने भी कोरोना वायरस की वजह से ओलंपिक को स्थगित करने की मांग की है। फेडरेशन के अध्यक्ष हेड मैक्स ने अमेरिकी ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटी को पत्र लिखकर ओलंपिक को स्थगित करने की मांग करने को कहा है। वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भी अपने सदस्य देशों से खिलाड़ियों की तैयारियों और कोरोना से हुए नुकसान की जानकारी मांगी है। शुक्रवार को अमेरिकी तैराकी संघ के ओलंपिक को स्थगित करने की वकालत करने के बाद से ही आईओसी पूरी तरह से दबाव में बना हुआ है। आईओसी ने अपने सदस्य देशों से पूछा है कि इमरजेंसी की वजह से किस तरह से आपके एथलीटों को की ओलंपिक तैयारियों में रुकावट आ रही है। सवालों में आईओसी ने संभव मजबूर बदलाव या ट्रेनिंग कैंप के लिए स्थान परिवर्तन जैसे जवाब मांगे हैं। ओलंपिक को स्थगित करने के लिए अब आवाज उठने लगी है क्योंकि यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट तक स्थगित कर दिया गया है। तो ये स्पोर्ट्स न्यूज थी। तो आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, देश के 75 जिलों में लॉकडाउन, राज्यों के बीच यातायात सेवा बंद की गई। दूसरा पॉइंट है, कोरोना वायरस के कारण इटली में एक दिन में 651 लोगों की मौत। आईओसी पर बढ़ा ओलंपिक स्थगित करने का दबाव और प्रधानमंत्री ने फार्मा उद्योग से आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। ये आज का यानी 23 मार्च 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।